हमारा 1 लीटर आफ्टर शेव तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज इंजीनियर जिशान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने आफ्टर शेव स्प्रे बनाने के फार्मूला को आपके साथ डिस्कस करना है। ये भी मेरे पास एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर वीडियो है, तो इसको भी मैं आज आपको बना के शेयर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आफ्टर शेव स्प्रे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें पहले नंबर पर 350 ml पानी, जो कि हमें ज़ीरो कॉस्ट करेगा। दूसरे नंबर पर हम ग्लाइसरीन लेंगे 100 ml, जो कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये 28 रुपये तक हमें कॉस्ट करेगा। और तीसरे नंबर पर हम सिप्रेट लेंगे 550 ml, जो कि हमें 75 रुपये कॉस्ट करेगा। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट 103 हो जाती है, क्योंकि मैंने चीज़ों को थोड़ी क्वांटिटी में लिया है तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट इसकी दी गई है। अगर आप इसको बिजनेस पर्पज़ से करो और बल्क के अंदर परचेज करो तो ये आपको 90 रुपये से ज़्यादा लीटर का, एक लीटर 90 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले हमने ग्लाइसरीन 100 ml के अंदर 5 ml फ्रेगरेंस को शामिल किया। मैंने मेंथोल की फ्रेगरेंस शामिल की है। ये इस तरीके का कुछ हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा मिक्सचर है, 100 ml ग्लाइसरीन का और 5 ml फ्रेगरेंस का, जो कि मेंथोल है। दूसरे नंबर पर मैंने इस बीकर के अंदर तकरीबन 350 ml पानी ले लिया है। आप स्केलिंग इसकी कर लोगे, इसके ऊपर स्केलिंग की गई है, तो 350 ml हमने पानी को लिया। तीसरे नंबर पर हमारे पास मिथाइलेटेड सिप्रेट है, जो कि 550 ml हमने ले लेना है। अब इसको तैयार करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने इन तीन चीज़ों को मिक्स कर देना है। कोई ज़्यादा ख़ास किस्म की चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होंगी मिक्सचर के अंदर, बस आपने मास्क का इस्तेमाल करना है और हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन लेने हैं, और इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसको थोड़ी देर के लिए आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपका आफ्टर शेव स्प्रे बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक कमर्शियल और बेहतरीन फार्मूला है। इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तो भी बेहतरीन है, अगर आप इसको अपने यूज़ के लिए बनाना चाहो तो भी बेस्ट है। चलिए दोस्तों, इसको तैयार करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नंबर पर आपने इस ग्लाइसरीन और फ्रेगरेंस के मिक्सचर को लेना है और इसको वाटर के अंदर आपने ऐड कर देना है। इसको आप इस वाटर के अंदर अच्छे से ऐसे ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर पर आपने सिप्रेट को लेना है। सिप्रेट को भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सिप्रेट को आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं इसके अंदर। आपका आफ्टर शेव लोशन, सॉरी स्प्रे तैयार हो चुका है। ये कलर भी अपना चेंज कर चुका है। इसकी मैं आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ, और ये कूलिंग इफेक्ट भी काज कर रहा है, क्योंकि आप जब भी आफ्टर शेव स्प्रे को मतलब इस्तेमाल करते हो तो कूलिंग पैदा होती है, तो ये भी उसी तरीके का कूलिंग मेथड हमारे पास क्या करेगा, शो करेगा। हमारा 1 लीटर आफ्टर शेव तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, और मार्केट के अंदर मिलने वाले तमाम अच्छे ब्रांड से किसी भी तरीके से इसकी क्वालिटी कम नहीं है। अगर आप इसको खुद बनाकर इस्तेमाल करो तो भी बेहतर है, कमर्शियल वे में करना चाहो तो भी ये फार्मूला बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और लास्ट में अगर आप इसके अंदर एडिशन के लिए इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया क्योंकि बिल्कुल मुझे ये कलर इसका ठीक लग रहा है। चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।